तक न कहा, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई केवल 22/7 का प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पे एक सवाल से यह निकल रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए है ना, पाई का वैल्यू 22/7 प्रयोग कीजिए। मतलब क्या है, पहले ये मतलब को समझिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि कह रहा है ना, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 है, तब तक आपको क्या यूज करना है, पाई की जगह पर क्या यूज करना है, 22/7 ही यूज करना है। ये नहीं कि हम ये लगा दिए, ये जहां पे जो क्वेश्चन डिमांड करता है कि यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3.14 होना चाहिए, तब वहां पर हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बात और है कि अगर मान लो एक यहाँ पे हमारे पास ब्रिज है, ठीक है, एक हमारे पास ब्रिज है और इस ब्रिज को मान लो हमने यहाँ से क्या किया, इसको कवर कर दिया, यहाँ से इसको हमने क्या किया, लाइन खींच करके, और ये आपको ये हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये जितना कलर किया हुआ क्षेत्र है, क्या एक जितना कलर किया हुआ क्षेत्र है, इसको आपको निकालना है कि ये एरिया कितना है। यानी कि जो कलर किया हुआ भाग होता है ना, जो कलर किया हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग छायांकित भाग। क्या बोलते हैं हम लोग, छायांकित भाग। ठीक है, तो ये आपको छायांकित भाग का अगर ये निकालना है, क्या निकालना है आपको, ये छायांकित भाग आपको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि आप कैसे निकाल सकते थे, पहले आप अपना मेथड लगाइए, बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, आप बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो यहाँ से ये वाला थोड़ा यहाँ पे जुटा हुआ है, बोले क्या कर सकते हम लोग, क्या हटा देंगे, क्या हटा देंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिएगा, ये पूरा ब्रिज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्या निकालना है, आधा, यानी कि आधा, आधा ब्रिज का क्षेत्रफल निकालना, यानी जिसको बोलते हैं अर्ध ब्रिज, क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध ब्रिज बोलते हैं, तो आधा ब्रिज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। और देखिएगा, आधा ब्रिज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो मान लीजिए इतना काम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये वाला कहानी जरूर खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, आई बात समझ में। अब रही सवाल कि अगर ये आधा हम निकाल रहे हैं तो आधा का मतलब तो पूरा निकल रहा है, तो जो ये एरिया निकलेगा ये पूरा निकलेगा, है ना, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, आधा वृत्त यानी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी ये देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ पे त्रिभुज अगर बन रहा है तो इस तरीके से जहां भी जाकर मिलता है वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। और जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, जिस त्रिभुज में मान लो इस तरीके से, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 है ना, आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है भाई, B×H यानी कि आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, जहां पे भी समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, जहां पे भी समकोण त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 B×H, क्या हो जाएगा, 1/2 B×H होगा। ठीक है, समझ में, इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा ना, तो वृत्त का अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यहां देखिएगा अर्ध वृत्त का है ना, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 πr², क्या लिखेंगे, 1/2 πr². ठीक है, और समकोण त्रिभुज यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 b×h। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में, तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका इस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे मैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको, इतना बात समझ में आ गया ना, इतना कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चल, कह रहा है एक इस तरीके से वृत्त बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से वृत्त बना हुआ है, और ये आपका जो वृत्त का जो ये सेंटर से एक लाइन जा रहा है, एक सेंटर से एक लाइन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या है ना,
एक और लाइन जाकर के यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, और एक और लाइन यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कह रहा है यहाँ पे इसकी जो ये लंबाई जो है ये आपको पता नहीं, इसका क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ फसल में क्या दिया, तो फसल में दिया है यहाँ पर हो जाएगा ये पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, ठीक है। पी क्यू आर दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर कितना दिया है, चलेगा चलेगा यार, हो गया ये। तो ये पी क्यू आर, ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना दे दिया, ये वाला लंबाई कितना दिया देखे तो 24 सेंटीमीटर, और ये पी और आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और ये वाली चीज आपको पता नहीं है, ठीक है चलिए। और यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ गया है कि केंद्र। अब एक बात बताइए, ये वाला क्या आपका व्यास है क्या, व्यास कभी भी जाता है ना तो क्या होता है सेंटर से निकलता है, कहां से निकलता है सेंटर से। तो जब व्यास आपको पता रहेगा तब ना त्रिज्या निकाल पाइएगा, है ना। यहाँ पे आपको व्यास पता ही नहीं है तो त्रिज्या कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे, है ना, क्या लिखिएगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, इतना बात समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज क्या लिखेगा पी क्यू आर, ठीक है। अब यहां देखिएगा पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है कि आपको पी क्यू दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और यहां पे दे दिया है पी आर बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्यू आर बराबर आपको पता नहीं है। तो आप यह देखिएगा ना, कभी भी अगर इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज बन रहा है वृत्त के अंदर तो कोण क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, जब 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समकोण हो जाएगा, और समकोण में एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, ठीक है, क्या होता है कि डायरेक्ट लिख देते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एच पता है क्या, ये वाला एच है आपका, नहीं पता है एच ऐसे लिख दीजिए, पी का स्क्वायर यानी कि पी का वैल्यू कितना देखे तो पी मतलब ये वाला कितना है भाई 24 सेंटीमीटर, और ये कितना बेस कितना है इसका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा आप 24 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना वर्ग होगा, यानी कि 24 को 24 से अगर गुना करिएगा तो कितना आएगा, 24 को 24 की जगह तो आएगा आपका कितना 576, वो 7 × 7 गुना कीजिएगा कितना जाएगा 49, इस दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 625। आपको क्या निकालना है भाई, एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है कि एच का वैल्यू निकालना है, नहीं एच का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है एच का, तभी ना जैसे स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बनेगा रूट बन जाएगा, तो ये जब रूट बनेगा तो एच का वैल्यू क्या निकल जाएगा, आप बताइएगा 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट किसका होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है, एच कितना निकल गया हम लोग का 25, यानी कि एच निकला तो इस वृत्त के लिए, एच निकला तो इस वृत्त के लिए क्या हो गया व्यास निकल गया आपका, कितना निकल गया व्यास, क्योंकि देखिए व्यास क्या होता है अभी बताया आपको, जो सेंटर से निकलता है लाइन उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, और व्यास हम लोग का कितना निकल गया 25 निकल गया, ठीक है। आप लिखिएगा वृत्त का व्यास बराबर कितना निकल गया आपको 25, तो अगर वृत्त की व्यास अगर 25 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25/2 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 25/2 हो जाएगी, चलिए ये बात समझ में आ गया। तो अब आपको क्या बोला है हम कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा आपको अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का, ठीक है चलिए। अब यहां देखिएगा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं 1/2 πr² और इसका कितना होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 b × h, मतलब h मतलब हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे b p × b लिख लीजिए, क्या लिखिएगा p ×
बी। अब भाई सर पी इंटू बी क्यों लिखवा रहे हैं? आपको इसलिए लिखवा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किए हैं। तो P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब, जो कि आपको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। H मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो इसमें कर्ण का इस्तेमाल नहीं ना होता है। क्या होता है? ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम लोग क्या लिखेंगे? पी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां लिखेगा 1/2 आई का वैल्यू क्या लिखेगा? 22/7। आर कितना हो जाएगा? 25/2। 25/2 1/2। बी कितना है यहाँ पे? 7। पी कितना हो जाएगा? 24। रिकर्ड। ठीक है, यहां से काटिएगा इसको, 11 बार में कटेगा, इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा, 14 12 बार में कटेगा ना। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 25 कितना होता है? क्या देखिएगा, 11 25 25 बटा में कितना? 7 2 और 2, और ये हो जाएगा माइनस कितना? 12 7 कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, ये काम कर लीजिए, गुना कर लेते हैं। 25 गुना 25 कितना होता है? 625। और 625 को 11 से गुना किए थे कितना आया था? 625 को 11 से गुना करिएगा कितना आएगा? 5 5 7 8, यानी कि 68 75 आएगा। कितना आएगा? 7 कितना आएगा? 68 75 आएगा। और 7 × 14 14 × कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 84। अब देखिएगा इसके नीचे हम लिख देंगे 28 और एक कैल्शियम कितना होता है? 28 होता है, एक 28 से कम 28 कितना हो जाएगा? ये 68 75 हो जाएगा। और देखिए 28 को अब भी आप गुना कीजिएगा 84 से, कितना आ जाएगा? 84 × 28 गुना करेंगे कितना आएगा? 23 52। ठीक है, चलिए तो 68 75 23 52। ठीक है, तो 5 में से जब 2 लिखा हटाएगा कितना आएगा? 3। और 7 में से जब 5 हटाएगा कितना आएगा? 2। और ये हो जाएगा कितना? 5। और ये कितना आ जाएगा आपको? 45 43 बटा में क्या आ गया? 28। 12.20 में छह अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? छह अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तथा कोण कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। ठीक है, अब देखिए संकेंद्रीय का मतलब सबसे पहले समझिएगा, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? यहां देखिएगा संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। संकेंद्रीय का मतलब यह होता है, ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब यह होता है कि एक पॉइंट से कितना, एक पॉइंट से एक वृत्त खींचा गया, फिर इसी पॉइंट से एक और वृत्त खींचा गया, फिर इसी वृत्त और भी जितना भी चाहे आप एक ही पॉइंट से बड़ा बड़ा करके छोटा छोटा करके आप वृत्त खींच लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संकेंद्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि सुनने का मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए? छुट्टी कर दें, छुट्टी कर दें, तो पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो सर, वरना देख लो तुमको 2-3 बार हम बचा दिए, इस बार मारेंगे सर पे, सर फूट उठ जाएगा, हमको दोष मत देना सर, बड़ा ध्यान दे रहे हैं इस चीज को, उसी समय से तुमको हम देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ भी चला देंगे हम, बोतल तो कुछ भी लग जाएगा, तुम समझना पर तुम्हारा काम समझेगा, ध्यान रखना चीज। चलो याद रखें, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? एक ही केंद्र पे बहुत सारा वृत्त हो उसको क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर एक यहां से आया और यहां आ गया, तो ये यहां पे देखिएगा ये क्या बन रहा है? ये इस वाले वृत्त के लिए क्या बन गया? ये त्रिज्या खंड बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया यहां पे? त्रिज्या खंड बन गया। बात समझ में आ रहा है? क्या बन गया? ये त्रिज्या खंड बन गया। अब देखिएगा अगर हम इसी पॉइंट से अगर यहां पे हम ले लेते हैं ये वाला वृत्त लेते हैं, अब इसको मिटा देते, मान लीजिए ये वाला, हम सपोज मान लीजिए अंदर वाला वृत्त नहीं था, अंदर वाला वृत्त नहीं था, तो ये बताइएगा यहाँ पे भी कोण कितने डिग्री का ही बनेगा? सेम बनेगा, लेकिन ये क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड ही तो बन रहा है ना। क्या बन रहा है यार? त्रिज्या खंड ही तो बन रहा है ना, बन रहा है। मतलब ये कि एक ही पॉइंट से अगर छोटा वाला वृत्त के पास हम ले जाए यहाँ पे दो त्रिज्या, तो यहाँ पे भी त्रिज्या खंड बन गया। फिर इसको अगर हम बड़े वाले वृत्त के पास लेके आ रहे हैं तो भी क्या बन जा रहा है? हमारा
त्रिज्या खंड ही बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से कर दें, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और इस तरीके से हम एक ही साथ दोनों को ले लें, तो क्या दोनों एक साथ नहीं आ सकता है? ये छोटा वाले के लिए क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा, अब बड़ा वाले के लिए सब आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो छायांकित भाग है ना, ये वाला जो कलर किया हुआ भाग है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या करना है? इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आई बात समझ में? तो आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, बड़ा त्रिज्या खंड में से, बड़ा त्रिज्या खंड में से है ना, में से छोटा त्रिज्या खंड को हटा दीजिएगा, छोटा त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड आ जाएगा ये पूरा, वैसे अगर ये छोटा त्रिज्या खंड को हटा दीजिएगा तो बताइए छायांकित भाग का आंसर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इसी तरीके से सेम क्वेश्चन यही है। चलो यहां ले लो, कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर भी एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर है, और यहां से अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। और लेकिन जब हम बड़े वाले त्रिभुज वृत्त के पास ले जाते हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जा रही है? कितनी हो जा रही है? 14 हो जा रही है। कितना हो जा रही है? 14। तो अब देखोगे, एक बात समझोगे, 14 अगर ये हो जा रही है तो ये अगर हम यहां से अगर इसको भी बढ़ा दें तो ये भी पूरा 14 है कि नहीं है? लेकिन दोनों के बीच में कोण कितने का बन रहा है? 40 डिग्री का ही बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहां पे हम एक चीज देख सकते हैं कि है ना, बड़ा त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या मतलब बड़ा आर लिख सकते हैं क्या? बड़ा त्रिज्या मतलब बड़ा आर लिख सकते हैं क्या? तो बड़ा आर के बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहां पे हम लिख रहे हैं छोटा त्रिज्या, छोटा त्रिज्या, तो छोटा त्रिज्या का मतलब छोटा आर, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिक्कत है नहीं है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे एक काम करना है, काम क्या करना है समझिएगा, एक बड़ा त्रिज्या लिख दिए, छोटा त्रिज्या लिख दिए, और यहाँ पे और जाना सकते हैं त्रिज्या खंड का कोण कितना बन रहा है भाई? त्रिज्या खंड का कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 40 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 40 डिग्री का बन रहा है। तो एक काम हम लोग करेंगे यहाँ पे कि बड़े वाले त्रिज्या खंड से छोटे वाले त्रिज्या खंड का, यानी कि बड़े वाले त्रिज्या खंड से छोटे वाले त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? ये वाला आपका छायांकित भाग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यहां लिखिएगा है ना, छायांकित भाग बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा जी? बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दिक्कत 13। आप एक बात बताइएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता कितना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपने क्या लिखा है? बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या है? बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे छोटा आर ना लिख करके बड़ा आर लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? हाँ, यहाँ पे बड़ा त्रिज्या खंड लिखा गया तो बड़ा त्रिज्या लिखेगा ना, तो बड़ा त्रिज्या का मतलब क्या होगा? बड़ा आर है ना। चलिए छोटा थीटा बाई 360 पाई आर, हेतना वर्ग का लिख ले, चाहे हेतना वर्ग का लिख ले, चाहे तू अपना बराबर लिख ले, पाई का वैल्यू 22/7 आएगा, आता है, आते रहे, ठीक है। चलिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज समझना है यहाँ पे, आसान करने के लिए देखोगे थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 दोनों एक जैसा है कि नहीं है? तो हम यहाँ ले सकते हैं क्या? थीटा बाई 360 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को नहीं? इस तरह करने से, कॉमन लेने से क्या होगा कि हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी 40/360 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 40/360 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 22/7 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 22/7 लिखना पड़ेगा। तो हम अगर एक जगह ले लिए कॉमन तो एक ही जगह लिखना पड़ेगा ना हम लोग को। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 40 डिग्री, और ये हो गया कितना? 360। पाई का वैल्यू 22/7
आप ले सकते हैं। बड़ा आर कितना है भाई, 14 का स्क्वायर ले लीजिए और माइनस 7 का स्क्वायर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा इसको काट के देखते हैं, कट जाएगा, 4 नवा कितना हो जाएगा 36, 9 बार में कटा, बाकी अब कुछ नहीं कट रहा है। लेकिन एक काम करिएगा, इसको 14 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 14 का स्क्वायर कीजिएगा आपका आंसर कितना आएगा, 14 × 14 कितना होता है, यहाँ पे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बचा है, 22 बचा है कि नहीं बचा है, यहाँ है 22, 22/7 गुने कितना बचा है, 1/9 बचा है कि नहीं, यानी कि 9 × 4 = 4, 4 × 36 है ना। अब देखिएगा इसको अगर हम करते हैं तो कितना होगा, 196 भी लिख दिया तुम लोगों को आने पर, वाह 16 में सुनवा गया, तो 9 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27, 7 से कटेगा 7 × 7 = 49, ठीक है। अगर यहाँ पे काट रहे हो 7 × 14 = 7, फिर तो वही करना पड़ेगा ना, 3 × 9 = 3, 7 = 21, मतलब तो वही आएगा ना, यानी देखोगे 22 × 7/3, 22 × 7 = 14 = 4, 1 × 7 = 14 = 15, 154 = 3।